नमस्कार, मैं गोविंद जोशी, आप लोग देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। बीती रात हैदराबाद की टीम ने लखनऊ की टीम को ऐतिहासिक तौर पर हराया और 10 ओवर के अंदर अंदर ही 160 से ऊपर का जो स्कोर था उसको चेज कर दिया। लेकिन अब इसके बाद जो है लखनऊ की टीम, स्पेशली केएल राहुल और लखनऊ मैनेजमेंट को लेकर काफी ज्यादा सवालिया निशान अब खड़े हो गए हैं और तमाम क्रिकेटर्स जो हैं अब लखनऊ की अप्रोच को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं कर रहे हैं, जिसमें अब एक और नया नाम जुड़ गया है मैथ्यू हेडन का। मैथ्यू हेडन जो कि ऑस्ट्रेलिया के लेजेंड क्रिकेटर रहे हैं, उन्होंने भी अब अपनी राय रखी है और उन्होंने कहा कि लखनऊ की टीम में इस सीजन और खासकर इस मुकाबले में कोई भी खास इंटेंट नहीं दिखा। यानी लखनऊ चाहती ही नहीं थी कि ये मुकाबला जीते। इस तरीके की जो चीजें हैं वो मैथ्यू हेडन की बातों से साफ साफ झलक रही थी। मैथ्यू हेडन ने कहा, बजाय इसके कि आपका सब कुछ दांव पर लगा था और काफी ज्यादा अहम मुकाबला था, आपने कोई इंटेंट शो नहीं किया फील्ड पर। तो इस तरीके की जो चीज है उन्होंने कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा पावर प्ले का बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं किया, जब आपको पता है कि सामने ट्रेविस हेड, हेनरिक क्लासेन, अभिषेक शर्मा जैसे एक्सप्लोसिव खिलाड़ी हैं, तो आपको 25-30 रन एक्स्ट्रा लेके चलने चाहिए थे। 160-170 वहां पर डिफेंडेबल होते हैं जहां पर पिच जो है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होती है। यहां पर जो है हैदराबाद ने जिस तरीके से बैटिंग की, पिच तो हार्ड छोड़िए, पिच बहुत ही ज्यादा अच्छी थी बैटिंग करने के लिए। तो ये सारी चीजें जो है मैथ्यू हेडन ने केएल राहुल और लखनऊ की टीम के लिए कही है। अब सोचना होगा केएल राहुल और लखनऊ की टीम को कि आगे वो किस तरीके से मुकाबले खेलेंगे, किस तरीके से अब उनकी अप्रोच रहने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से लखनऊ की टीम पिछला मुकाबला हारी है, कहीं ना कहीं उनको बहुत बड़ा झटका तो लगेगा, क्योंकि नेट रन रेट पर तो सेंध लगा ही दी है हैदराबाद की टीम ने, उसके साथ ही अब मुकाबले भी बहुत कम बचे हैं। तो अब देखना होगा लखनऊ की टीम किस तरीके से खेलती है। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।